यार ये डोगरा जर्नलिस्ट क्या होता है? डोगरा जर्नलिस्ट किसने बनाया इसको, डोगरा जर्नलिस्ट? अरे भाई ये तो एकदम बीजेपी का बंदा है। ये तो हमेशा एंटी कश्मीर ही बोलता है, इसको माथा लगाओ आप कोई कश्मीरियों से, बड़ा जर्नलिस्ट बना है। यार ये डोगरा जर्नलिस्ट क्या होता है? डोगरा जर्नलिस्ट क्या होता है? डोगरा जर्नलिस्ट किसने बनाया इसको? अरे भाई ये तो एकदम बीजेपी का बंदा है, बीजेपी का बंदा है। ये तो हमेशा एंटी कश्मीर, इसको माथा लगाओ आप कोई, कश्मीरियों से, बड़ा जर्नलिस्ट, मेरा नाम आशीष कोहली है और लोग मुझे डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से जानते हैं। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाता, अपने ऊपर इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म को देखता, हवाई जहाज़ों को जब मैं उड़ता देखता था तो उसमें अपने आप को सोचता था कि शायद मैं इसमें बैठा हूँ। कोशिश की मैंने, एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम भी दिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आज किस्मत मुझे एक पत्रकार बना चुकी है। मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा हूँ। अपना ऑटो रिक्शा नहीं था हमारा, रोज़ाना के जो उस ऑटो के मालिक थे उनको पैसे भी देने पड़ते थे, पिताजी उनको पैसे भी देते थे और घर का गुजारा भी। हालात घर के इतने अच्छे नहीं थे जिस कारण मैं छोटी उम्र में ही काम करना शुरू हो चुका था। जब घर के हालात ख़राब होने के कारण मुझे एक एज ए ऑफिस बॉय काम करना पड़ा, तो वहाँ पर वो एक मीडिया हाउस था। जब मीडिया हाउस में मैं गया तो वहाँ पर एक मीडिया की दुनिया की वो होता है ना चकाचौंध चीज़, मतलब एक इस तरह की होती है कि हम लोग उसके अंदर घुसते चले जाते हैं। बस कैमरे अच्छे लगने लगे, माइक अच्छा लगने लगा, एंकर्स रिपोर्टर्स अच्छे लगने लगे, तो वहाँ से ही एक कैमरामैन की जर्नी शुरू हुई। उस दिन रविवार का दिन था और मैं रोज़ाना की तरह रविवार को सुबह 9 बजे एक लाइव प्रोग्राम होता था टेक वन में, तो उस दिन जब मैं घर से गया तो सुबह 7 बजे चले जाता था, क्योंकि एज ए कैमरामैन वहाँ पर सारा सेट लगाना, कैमरा सेटअप करना, माइक लगाना, तो हमें 1-2 घंटा पहले जाना पड़ता था। तो उस दिन पिताजी सोए हुए थे, मैं उनको मिले बिना चला गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन ये एक दुखद समाचार आएगा। और उस दिन प्रोग्राम चल रहा था, लाइव प्रोग्राम, और मुझे बीच से बाहर से कॉल आई कि भाई आप बाहर आ जाओ, घर पे कुछ परेशानी हो गई है। और मैं उन दिनों संडे का दिन था तो ज़्यादातर स्लीपर ही डालता था संडे को, और मैं बिना स्लीपर डाले ही स्टूडियो से भागा घर की तरफ, नंगे पाँव ही। पापा के साथ इसकी बहुत अटैचमेंट थी, बच्चों या भी रात को आता था तभी इकट्ठे खाना खाते थे। बीमार है लेकिन उनको बड़ा होता था कि बड़ा मेहनत करता है मेरा बच्चा। जो पिता एक हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए एक साये का काम करते, वो हमें बड़ी जल्दी ही छोड़ के चले गए, जिसका हमेशा दुख रहेगा। 15 साल का था शी जब इसके पापा की डेथ हुई, तब से ये मेहनत कर रहा है, खुद ही अपने बलबूते पर हमें भी देख रहा है, घर चला रहा है, तब से इस पर सारी जिम्मेवारी पड़ी हुई है, तब से आज तक निभा रहा है। जॉब तो मैं पहले ही करता था लेकिन पिताजी की डेथ के बाद एकदम से हमारे पूरे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। बड़े होने का एहसास तभी हुआ जब पिताजी नहीं रहे, और एकदम से हर चीज़ का मतलब प्रेशर अपने ऊपर फील किया मैंने कि अपनी भी पढ़ाई करनी है, छोटे का भी ध्यान रखना है, घर का भी खर्चा चलाना है, तो बड़ी सारी मुसीबतें एकदम से ही आ गई। शुरू में हमें तो बाद में पता चला, यहाँ उसने कप शप भी धोता था, काम बहुत मेहनत से 1500-700 से तनख्वाह से लगा था 1500 तक, हमें तो बाद में पता, बहुत मेहनत की शुरू से इसने, ट्यूशंस भी की, उसके बाद आस्ता आस्ता खुद ही इसने अपने बलबूते पर डिग्रियाँ की हैं, सब कुछ की है। मैं सोशल मीडिया में बड़ी देर से एक्टिव हूँ,
तब ऑर्कुट हुआ करता था, वहाँ पर भी मेरा बड़े स्टेटस डालना, पोस्ट डालना, ये वो करना। फेसबुक भी शुरू हुआ तो फेसबुक पे भी मैं लिखता रहता था पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर। तो कई बार मेरे ही दोस्त पत्रकारों ने कई बार कहना कि भाई तू तो कैमरा मैन है, तेरा काम नहीं है ये पोस्ट पूस्ट डालना, ये हमारा काम है, हम रिपोर्टर लोग हैं, हम कैमरा मैन का काम नहीं होता ये काम शाम करना, आपका काम है शूट करना बस। तो मुझे ये बात ना बड़ी, मेरे दिल में बड़ी घर कर गई कि भाई ऐसा क्यों है। बी कॉम कर चुका था, पीजी डिप्लोमा कर चुका था इग्नो में जर्नलिज्म का, मास्टर्स करना चाहता था लेकिन जम्मू के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट मास्टर्स नहीं करवाता है, तब नहीं करवाता था, तो दिल्ली में जा नहीं सकता था जॉब छोड़ के, क्योंकि घर के सिचुएशन को देखते हुए मुझे जॉब भी करनी थी। तो बस उन दिनों ही मैंने सोचा कि मैं एक रिपोर्टर बनने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन मैं ज़रूर बाय डिफ़ॉल्ट बना, लेकिन पत्रकार मैं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बना हूँ। पत्रकारिता में आना एक चैलेंजिंग था मेरे लिए। जब कुछ लोगों ने ये कहा कि एक कैमरामैन थोड़ी पत्रकार बन सकता है, तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। उन्हीं दिनों में U4U एक न्यूज़ पोर्टल शुरू हुआ था, तब उसी टाइम फेसबुक ने भी लाइव वीडियोज़ शुरू किए थे। तो U4U ने मुझे अप्रोच किया कि भाई आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं फेसबुक पे, तो हमें आपके साथ काम करना है, आप आइए। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। U4U के साथ मुझे पहला मौका मिला सोशल मीडिया में अपनी आइडेंटिटी बनाने का, और मैं कभी भी U4U के दिन नहीं भूल सकता। 3 से 4 साल मैंने U4U में काम किया और U4U ने मुझे एक आइडेंटिटी दी जम्मू के अंदर। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੁਕਾਨ ਬੋਲਤੇ ਲੱਗੇ, ਆਂਟੀ ਆਪਕੇ ਲੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੋਲੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ RS ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇ ਲਈ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ। ਜਬ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਹੁਆ, ਵਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੋਗਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। बस तब से लेके आज तक लोग मुझे डोगरा पत्रकार के नाम से जानते हैं और बड़ा गर्व होता है मुझे। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर इस टाइटल से और मेरे से या डोगरों के लिए जब मैं बात करता हूँ तो ज़रूर परेशानी होती है। बात मैं हर कम्युनिटी की करता हूँ, बात मैं हर सेक्टर की करता हूँ, लेकिन मैं जम्मू का हूँ, मैं डोगरा हूँ, इस चीज़ का मुझे गर्व है। मेरे नाम के कई सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स भी बनाए गए हैं, जो कि ऑपरेट करने वाले कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। हाँ, यही मेरी स्ट्रेंथ भी है और अच्छा भी लगता है, और मुझे रोज़ काम करने के लिए एक प्रेरणा और शक्ति भी देते हैं। मेरे अपने फॉलोअर्स से उन पेजेस पे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ कई बार लाइफ थ्रेट मुझे रहती है, कई फ़ोन कॉल्स ऐसे आते हैं, शायद उन लोगों को मेरा काम पसंद नहीं है या मेरी पत्रकारिता पसंद नहीं है या फिर उनको मेरे सच बोलने से कोई दिक्कत है। कई बार किसी के साथ झड़प भी हो जाती है तो बता, हमें थोड़ा कुछ बताता है, मुझे लगता है कि कुछ बताए ये बताता है, घर में काम है, बाहर से कहीं से पता चलेगा कि ये ऐसे ऐसे न्यूज़ बनाता है। कई बार तो मैं देख लेती हूँ, कई बार नहीं टाइम लगता है मोबाइल पे देखने का, तो फिर थोड़ा होता तो फिर मैं इसको पूछती हूँ कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम कभी बाहर से सुन के आके भाई से पूछते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं ऐसा, तुम टेंशन नहीं लो, आप लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं ऐसा। डर तो लगता है कई बार, रात को 2 बजे 2:30 बजे आए, फिर मैं फ़ोन करती हूँ ये फ़ोन नहीं उठाता, फिर मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है कि तू आज कहाँ इतनी लेट हो गया, तेरा काम ऐसा, तू रात को आधी आधी रात को कहीं कहीं से आता है, पीछे पता नहीं होता, 100 दुश्मन होते हैं पर ये माने ही कुछ नहीं होता मेरे साथ। धमकियाँ भी मिलती हैं, वह मुझे कम पता चलता है, मुझे बाकियों से पता चलता है, तो मुझे और चिंता लगती है कि मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इन्हीं के बलबूते हूँ, मेरा कौन सा है और इन दोनों के सिवाय। और मुझे कई बार ये भी लगता था कि कश्मीर से कई लोग मुझे जो हैं बार बार ये कहते थे कि ये बड़ा डोगरा डोगरी करता है या डोगरों की बातें करता है, तो मुझे कई बार दुख भी होता था कि भाई करता हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं आज भी करता हूँ और करता रहूँगा ज़िंदगी भर, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जहाँ पर जिस शहर में रहता है उस शहर की आवाज़ उठाता है तो फ़ख्र होना चाहिए अगले इंसान को कि भाई वो फ़कर से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है।
इसको पहले अपना काम है, रोटी पड़ी रहेगी प्लेट में उधर ही पड़ी रहेगी, दौड़ जाएगा खाना, फ़ोन चलते हैं, मैं बताती हूँ खाना तो खा ले आराम से, पर इसको अपनी रोटी का भी फिक्र नहीं होता है। काम के लिए आशीष भैया बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड आई वुड से, हमें एक रोल मॉडल लगते हैं जिस हिसाब से उनकी डेडिकेशन है। डे एंड नाइट वो ऐसे काम कर रहे होते हैं विदाउट थिंकिंग कि खाना खाया है या नहीं खाया है, प्रॉपर नींद हुई है या नहीं हुई है, लेकिन स्टिल उनका ऐसा है कि वर्क मस्ट गो ऑन। मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं हुआ, मैं कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुआ। मेरे लिए सब लोग जम्मू कश्मीर के एक समान हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मेरे लिए सब धर्म एक समान है, मेरे लिए हर व्यक्ति एक समान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक फूलों का गुलदस्ता है जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और वो सभी लोग मेरे अपने हैं। एज अ ह्यूमन बींग आशीष भैया बहुत ही एक जेनरस और लविंग इंसान है, नेचर लवर हैं, बहुत ही सबको बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है। बाकी वालों के लिए आशीष कोहली जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए आशीष कोहली सबसे सही बेटा है। मैं गर्व से कहती हूँ मेरा आशीष कोहली मेरा बेटा है, मैं गर्व से कह सकती हूँ।